आज केएम फिल्म इंटरनेशनल की तरफ से दिल तो दिल है का मुहूर्त हुआ। इससे पहले भी मैंने एक फिल्म बनाई, इसमें रमेश जी डॉक्टर का रोल किया था और मुश्ताक भाई ने अन्ना का रोल किया था। उस फिल्म का नाम था गोल्डन आइडल। आज मुझे ये खुशी हो रही है कि उनके साथ ये मेरे साथ जुड़ रहे हैं और मेरी फिल्म में काम कर रहे हैं। वैसे जिया जी भी मेरी फिल्म में माँ का रोल करती आई हैं, हीरोइन का रोल करती आई हैं और इस फिल्म में भी वो माँ का रोल कर रही हैं। और हमने गाने रिकॉर्ड कर लिए हैं और बहुत जल्द हम उलोर पर जाने वाले हैं। हमारा इरादा 20 मई का प्लानिंग है कि हम 20 को उलोर पर चलेंगे और इस उम्मीद के साथ के ये फिल्म के बाद भी हम और फिल्में बनाए। इसमें हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि लोग गलत राह पे निकल पड़ते हैं, गलत जिसके पास पैसे होते हैं, जो बिगड़े बाप की औलादें होती हैं वो गलत काम करते हैं, शराबे पीते हैं और गलत रास्ता इख्तियार करते हैं, क्योंकि उनके पास हर चीज़ की फैसिलिटी है, हर गुनाह से वो बच जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। तो मैंने अपनी फिल्म में ये बताने की कोशिश की है कि गलत काम का गलत अंजाम होता है। जो मेरी फिल्म के चार कैरेक्टर हैं वो रैप करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं और उनका मर्डर भी करते हैं और उसके बाद उनका क्या अंजाम होता है वो मैंने इस फिल्म में बताया और एक सीख दी है कि भाई गलत रास्ता मत इख्तियार करो, सही रास्ते पर कदम बढ़ाओ, क्योंकि सही रास्ते पर चलोगे तो अच्छा होगा और गलत काम का गलत अंजाम होगा। अब मैं चाहता हूँ रमेश जी भी दो शब्द कहें। थैंक यू। दिल को जो तय का आज मदद हो रहा है बहुत खुशी की बात है। इस बारे में आप दो सारे कुछ कहेंगे। मैं करीम खान साहब को और अपनी प्रोड्यूसर जया खन्ना जी को और बाकी सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि दो फिल्में स्टार्ट हो रही हैं और दोनों में मैं काम कर रहा हूँ, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी जैसा टाइटल है दिल तो दिल है, इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं सकती। ये टाइटल अपने आप में ये प्रूव कर रहा है कि दिल तो दिल है और हर आदमी के पास दिल है, तो दिल का तो कमाल अपना अपना है। दिल जिस हिसाब से सोचता है इंसान उस हिसाब से करता है। तो मेरी पूरी पूरी शुभकामना है और मुझे बुलाया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और खलील जी के साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ, वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और जया खन्ना जी तो हमारी आर्टिस्ट हैं, तो बहुत सीनियर एक्ट्रेस हैं, इनके साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ। तो ये जो कॉम्बिनेशन है आज खलील खान साहब का, जया खन्ना जी का और मैं रमेश गोयल इस फिल्म में अच्छा किरदार कर रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन बहुत रंग लाएगा। मेरी पूरी आशा है कि ये फिल्म बहुत जल्दी बनेगी, रिलीज़ होगी और हम सबकी तरफ से प्रोड्यूसर्स को डायरेक्टर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि कलाकार लोग उम्मीद लगा के रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में स्टार्ट हों जिससे वो अपने टैलेंट को दिखा सकें। तो ये श्रेय जो है खलील खान साहब को जाता है कि दोनों फिल्मों को डायरेक्शन दे रहे हैं और तमाम नए लड़के लड़कियों को चांस दे रहे हैं, ये देख कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत अच्छा मुहूर्त हुआ है और जिस तरीके से ये फिल्म आगे बढ़ेगी मेरा पूरा विश्वास है कि ये अपने आप में एक बात होगी। दिल तो दिल है और दूसरी फिल्म है प्रेम प्यार इश्क, तीनों ही सुपरहिट नाम है। प्रेम भी बहुत अच्छी है, बड़ी बड़ी अच्छी फिल्में बनी हैं, प्यार में भी बनी है और इश्क में, तीनों टाइटल पर जो है अच्छी अच्छी फिल्म बनी इस लाइन में और ये सब टाइटल्स को मिला के अच्छी फिल्म बनने जा रही है। इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद और जया जी ने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। बाकी सब लोग आप सब नए लोगों के लिए मैं शुभकामनाएँ देता हूँ कि आप सब लोग कामयाब हों। कल के आप ही जो है आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान हैं और अपने इंडस्ट्री का नाम रोशन करेंगे। पूरी मेहनत से आप लोग काम करिए, जिस तरह से हमने अपनी
जिंदगी में काम किया है, यहाँ तक आए हैं आप लोगों के सामने, जिस तरह से डायरेक्टर साहब दूसरा साहब सब मेहनत करके यहाँ तक आए हैं, तो आप लोग भी एक आज ये प्रण कर लीजिए कि हमको भी बहुत मेहनत करनी है और आगे आना है, और इसी तरह से हम भी जो है आगे अपना नाम कमाएँ, परिवार का नाम रोशन करें, हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। ये सब जो है आपके आपके ऊपर है, हमारी जनता जनार्दन तो आपको कलाकार, नए नए कलाकार चाहते हैं, हमारी जनता भी चाहती है कि नए नए कलाकार आएँ और नए नए अपना जो है अपनी कला को दिखाएं, जिससे कि उनका मनोरंजन हो। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप सब लोगों से कि आप अच्छी कला का प्रदर्शन करेंगे और इस डायरेक्टर प्रोड्यूसर फिल्म का नाम रोशन करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। हेलो मैम। हेलो, हाउ आर यू? गुड इवनिंग एवरीबॉडी, फ्रेंड्स, दोस्त, बड़े लोग सब। खलील साहब जी डायरेक्टर हैं, मैंने खलील साहब जी की बहुत फिल्म की है और सब में मैं माँ का ही रोल करती हूँ। रहे रमेश गोयल जी के साथ तो मैं 15-20 साल से काम करती हूँ, जैसे कि वो पुलिस बनते थे और मैं गांव की कोच बनती थी, वो मुझे मतलब लेके जाते थे ललिता पावर टाइप करने। तो माँ, गरीब माँ का रोल मैंने बहुत किया है सर के साथ। मैंने सर को बोला कि सर एक छोटे से एक फिल्म सर मुझे सपोर्ट करें तो मैं करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ आप आइए। तो वो सर आए, बहुत अच्छी बात है। और हमारा डायरेक्टर जी खलील जी बहुत अच्छे बंदे हैं, भगवान के बंदे हैं, अल्लाह के बंदे हैं। बस सब लोग आगे जाए, मैं सोचती हूँ कि नए लोगों को लेके बनाऊँ, बाकी के फ्लोटिंग आर्टिस्ट हमारे मार्केट के ही हैं। और जो हमारी हीरोइन है प्रेरणा शर्मा, वो फ्लाइंग जेट की किया है और वो भी हमारी फिल्म की मेरी फिल्म की हीरोइन है। एक रंजीत है, वो आज शूटिंग में नहीं आ पाया है, 4 दिन से उसकी शूटिंग चालू है, तो उसको भी मैं ले रही हूँ। पर बाकी तो काफ़ी आर्टिस्ट हैं, बस सब लोग मिलके काम करें, अच्छे लगे, सबकी दुआएं, मैं सबको अच्छी दुआएं दूँ कि सब लोग आगे आए।